नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये खबरों की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले की नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बिना कार्ड ले सकते हैं राशन। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी और बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने मिलकर बांटा गरीब परिवारों को राशन। कैट ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, पूछा शराब की होम डिलीवरी जरूरी या दुकानें खोलना प्राथमिकता। दिल्ली में कोरोना तांडव के बीच लोगों ने पेश की मिसाल, बेजुबान जानवरों की ऐसे की मदद। नोएडा में पत्नी ने किया साथ रहने से इनकार तो पति ने कर दी हत्या, फिर खुद को भी मार ली गोली। दिल्ली पंजाब समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन मुफ्त देने की घोषणा कर रही है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है सरकार उनको भी मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था कर रही है। सरकार की इस स्कीम में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान का भी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सिंगर मोहित चौहान के साथ मिलकर अपने इलाके में लोगों को मुफ्त राशन भी वितरित किया। दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुश्किल इन गरीब परिवारों को ही हो रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली के देवनगर के इलाके के गरीब परिवारों के लिए सांसद मीनाक्षी लेखी और बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने गरीब परिवारों को राशन बांटा। इसी के साथ क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। मैं तो सबको एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप एक व्यक्ति की, एक परिवार की भी मदद कर पाए तो आपको करना चाहिए, ताकि ईश्वर के खाते में ये ना जाए कि हमने मुश्किल के समय पर कुछ नहीं किया और लोगों की मुश्किल बढ़ाने का काम किया, बल्कि ये जाए कि मुश्किल थी, मेरे पर भी मुश्किल थी, लेकिन बावजूद उसके मैं जो भी मदद कर सकती थी मैंने वो मदद की। वहीं बॉलीवुड सिंगर ने कहा, हम सबको मिलकर गरीब परिवारों के लिए कुछ करना चाहिए, इसीलिए हमने सांसद मीनाक्षी लेखी के साथ मिलकर लोगों की मदद करने की कोशिश की है। देखिए, लोगों को कुछ भी मदद मिले तो वो अच्छा ही है। गरीब लोग हैं, उनको खाना भी अगर मिल रहा है, क्योंकि नौकरी पेशा बहुत लोगों का घट गया है, दिहाड़ी का काम नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, ये सब तो खाना पहुंचा रहे हैं और भी मदद करेंगे, तो जितनी भी कर पाए उतनी बहुत है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने सभी के लिए 2 महीने का राशन फ्री देने की घोषणा की है और लोगों को राशन मिल भी रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें गरीबों को राशन दिया जा रहा है। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार द्वारा शराब की होम डिलीवरी के फैसले के खिलाफ अब व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली की दुकानें बंद रहने और इस बीच दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी का फैसला लिए जाने की निंदा किया। ये कुछ सुनवाते हैं कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ कैट महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने अपनी भड़ास किस तरह से निकाली। दिल्ली सरकार के लिए दिल्ली में दुकानें खोलना जरूरी है या शराब की होम डिलीवरी करना? निश्चित रूप से दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने दुकान खोलने की अपेक्षा दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी करना ज्यादा मुनासिब समझा और उसको अपनी प्राथमिकता पर रखा दुकान खोलने के बजाय। वर्तमान माहौल में जिस प्रकार से कोरोना का केसेस दिल्ली के अंदर कम हो रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों में जिसमें व्यापारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, पिछले लंबे समय से हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि दिल्ली के बाजार खोले जाएं, जिससे कि दिल्ली के व्यापारियों को और उन पर जो निर्भर हैं उनके कर्मचारी, उनको अपनी आजीविका कमाने का मौका मिले। बेशक दुकानें चरणबद्ध तरीके से खोली जाए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान दिया कि दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी कैसे सुलभ हो सके, और उसके लिए एक आदेश उन्होंने आज दिल्ली में जारी कर दिया। बड़ा सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता क्या है, दिल्ली के दुकानों को खोलना
या शराब की होम डिलीवरी, इस पर एक विचार जरूर होना चाहिए। हमारी आग्रह है कि दिल्ली में बाजारों को तुरंत प्रभाव से खोला जाए। देश भर में कोरोना के कहर के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेजुबान जानवरों की मदद कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर बेजुबान जानवरों की मदद समाज से भी लोगों द्वारा किस तरह से की जा रही है। देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है, लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। दिल्ली सहित देश के अलग अलग राज्यों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस मुश्किल समय में कई लोग एक दूसरे का सहारा भी बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामने आए बिना अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन बेजुबान जानवरों की, और वाकई में उन लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है जो इस मुश्किल घड़ी में इन जानवरों की जान बचाई है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से स्ट्रीट एनिमल्स जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट आया है। पहले के टाइम पे क्या था, दुकानें खुली हुई थी, शॉप्स खुली हुई थी, तो लोग अपने शॉप के बाहर जो भी उनका बचा हुआ खाना सब होता था वो डाल देते थे, या लोग निकलते बढ़ते रहते थे, कुछ भी खरीद के दे देते थे, रस, ब्रेड, या किसी ने दूध दे दिया, तो उससे उनका काम जो है वो चल जाता था। होटल्स खुले हुए थे, बचा हुआ खाना भी उन्हें मिल जाता था। बट फिलहाल के समय में सब कुछ बंद है, होटल बंद है, दुकानें बंद है, तो ये बेचारे रोड पे जो हैं ये तड़प रहे हैं, इन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है। हमें रेगुलर कम से कम नहीं तो 15 से 20 कॉल्स आती हैं रेस्क्यू की। आइए देखते हैं बेजुबान जानवर के मालिक का क्या कहना है। ये रात को मतलब सोया, सवेरे उठा तो दस्त करने लग गया था बहुत ज़्यादा ही, और उल्टियाँ कर रहा है, कुछ दे रहे हैं दूध वूध तो नहीं पी रहा, पलटी मार दे रहा है, मतलब अगर खिला भी रहे हम ज़बरदस्ती तब भी उल्टी कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा ही इधर उधर भाग रहा है। गर्मी सी लग रही है तो टॉयलेट में घुस रहा है बार बार गीले में, यही जा रहा है, इसको तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा ही। क्या खरीदा है आपने? नहीं खरीदा नहीं है इसको, हमने मतलब रोड से उठाया था, हमारे पीछे पीछे आ गया था, हम इतने अमीर तो है नहीं, इसलिए हमारे किराए के मकान में रहते हैं तो रास्ते में ही हमें मिल गया, घर ले आए तो घर में पाला हमने। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 महीने का ही है। कोरोना कहर के कारण लॉकडाउन की वजह से सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी बहुत दिक्कत हुई। ये बेजुबान किसी से अपना दर्द भी नहीं बयां कर पाए। इनका इलाज कर रहे डॉक्टर का क्या है कहना, चलिए दिखाते हैं। देखिए सर, जब से ये लॉकडाउन लगा है 2.0, तब से दिक्कत यह है कि सर कि यहाँ पे लोग जो एनिमल्स के प्रति बहुत अटैच हैं तो वो यहाँ पे आ नहीं पाए हैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन था, इस वजह से छूट नहीं थी लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हमने यहाँ पे समझाया जो लोग आए कि वो अपने एनिमल्स को लेके आ सकते हैं, अपने एनिमल्स के साथ में घूम सकते हैं, अपने एनिमल्स को घुमा सकते हैं, उनको जो बंद कमरे में वो बंद रखते हैं वहाँ से वो निकाल के गली में टाइम टू टाइम घुमा सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, इसीलिए देश के हर नागरिक से अपील की जा रही है कि वो एक दूसरे की मदद करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में घरेलू कलेश के चलते पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जी हाँ, घरेलू कलेश के चलते ही पहले पति ने पत्नी को गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मार दी। आपको बता दें कि इन दोनों लोगों ने कुछ समय पहले ही लव मैरिज की थी और इनकी इस लव मैरिज के खिलाफ इनका परिवार भी था। दिल्ली से सटे नोएडा से एक संगीन मामला सामने आया है, जहाँ एक घर में पति ने पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार कर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला नोएडा के 49 थाना क्षेत्र के गांव सरोखा का है, जहां मूल रूप से इटावा की निवासी 22 वर्षीय दीप्ति दुबे नोएडा के सरोखा गांव में किराए पर रहती थी। वो सेक्टर 77 में एक निजी कंपनी में सुरक्षा कर्मी थी। युवती ने कुछ समय पहले फिरोजाबाद के हुमायूंपुर निवासी 32 वर्षीय अवनीश कुमार शर्मा से कोर्ट मैरिज की थी,
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच गृह कलेश होता था, जिसके चलते दीप्ति अवनीश के साथ नहीं रहना चाहती थी और इसी कारण पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए आज ये यहाँ तोरखा है थाना लड़का क्षेत्र में और सुबह ये सूचना मिली पुलिस को कि एक कमरे में एक युवक और युवती का शव यहाँ मौजूद मिला मृत अवस्था में। प्रथम दृष्टया देखने से जो प्रतीत हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे जो लड़का है जो मृतक है कि उसने संभवतः पहले लड़की को गोली मारी होगी, उसके बाद उसको अपने सर से सटा के उसने सुसाइड किया है। मौके से जो एविडेंसेज हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देख के जो प्रतीत हो रहा है उससे ये स्पष्ट लगता है कि या तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन रहा हो या एक दूसरे को जानते रहे हों या पति पत्नी है क्या है, क्योंकि अभी जो लड़का है उसका अभी नाम को पता लग गया है लेकिन अभी ये शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वो उसको किस तरीके से जानता था। जो लड़की है वो इटावा की रहने वाली है और जो लड़के का आधार कार्ड और जो डिटेल्स हुई है उसके आधार पर वो फिरोजाबाद जिले का रहने वाला है। जो मृतका है लड़की उसके परिवार वालों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ही उनसे प्रयास होता है और चीज़ें पता लगती है आप लोगों को अपडेट किया। सर लड़की कब से रह रही थी यहाँ पर और क्या कुछ करती है? देखिए लड़की एक सिक्योरिटी कंपनी है वहाँ पर गार्ड की जॉब करती थी और कंपनी वालों ने भी ये सूचित किया। सुबह जब इसको पहुँचा था और ये ड्यूटी पर नहीं पहुँची तो कंपनी के लोगों ने इसका फ़ोन ट्राई किया, बात नहीं हो पाई तो उन लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि ये मृत अवस्था में थी इस तरीके से। और यहाँ पर जब जो रहने का जहाँ तक प्रश्न है ये अभी शायद मई के ही महीने में यहाँ पे शिफ्ट की थी, इसके पहले यहीं इसी क्षेत्र में कहीं और रह रही थी। वहाँ से भी ये बात तस्दीक हुई है कि ये लड़का वहाँ पर भी आता जाता था। अब इस लड़के से क्या इसका रिलेशन है इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन प्रथम दृष्टया देखने से ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि पहले लड़के ने लड़की को मारा और उसके बाद स्वयं अपने सर में गोली मार के सुसाइड किया है और जो मौके से एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है, पुलिस ने घटना के बारे में दोनों के परिजनों को सूचना दे दी है, उनके आने के बाद ही शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट, नोएडा। गर्मी और बारिश से जूझ रहे उत्तर भारत के कई राज्यों में कुछ राहत मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मौसम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इन राज्यों में बारिश पड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आपको सुनाते हैं मौसम विभाग का इन राज्यों में मौसम को लेकर क्या कुछ कहना है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम के करवट लेने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में बादलों के पहरे के बीच हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के लक्ष्मणगढ़, अलवर, बयाना, भरतपुर, डीग में आज बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा के लोहारू, नारनौल, महेंद्रगढ़, बावल और उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, बरसाना, नंदगांव में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ हल्की बारिश से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो जम्मू कश्मीर और इससे सटे लद्दाख पर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस बना हुआ है, जबकि पंजाब से लेकर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश तक निम्न दबाव की रेखा फैली हुई है, जिससे कश्मीर और आसपास के इलाकों में मौसमी गतिविधियां बदलने के साथ बारिश होने के आसार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में 3 जून को मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है। सबसे पहले केरल में मानसून का आगमन होता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। बता दें कि मानसून के आगमन से पहले कई जगह प्री मानसून बारिश हो रही है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।
साथ ही इन राज्यों के कुछ शहरों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।